हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज आउट फैशन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ईद का मेकअप लुक, जो कि मैं आपके साथ गेट रेडी विद मी नहीं शेयर कर पाई थी, बट मैंने ऐसा ही लुक क्रिएट किया था सेम। सो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस लुक को आप राखी पे भी कर सकते हैं एंड अदर्स फंक्शन पे भी कर सकते हैं। एंड आप ये देख सकते हैं मेरा फुल लुक इस आउटफिट के साथ। एंड या यही था मेरा ईद का मेकअप लुक गाइस। सो या स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो गाइस, एंड पूरी वीडियो वॉच करेगा। पसंद आए तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब। क्रिएट करने वाली हूँ मेरा ईद का मेकअप लुक, जो कि मैंने गेट रेडी विद मी मेरे को शेयर करना था आपके साथ, तो मैं नहीं कर पाई थी। वही लुक मैं आज आपके साथ रिक्रिएट करूँगी। एंड गाइस, ये लुक आप किसी भी अदर फंक्शन में रिक्रिएट कर सकते हैं। लाइक अभी राखी आ रही, तो आप राखी पे भी ये लुक रिक्रिएट कर सकते हैं। सो या वीडियो आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे फ्यूचर में आपसे मेरी वीडियो मिस नहीं होगी और मेरी वीडियो की भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो या वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये कलर बोर्ड आई शेडो पैलेट। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर दे दिया है, इससे पहले वाली वीडियो में आप जाके इसका रिव्यू दे सकते हैं। एंड इसे अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो की, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। एंड या गाइस, आज आप इसका डेमो भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा वर्क करता है ये अपने आईज पे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर, जो कि गुड वाइब्स का रोज़ हिप वाला रोज टोनर। इसकी हेल्प से अपने फेस को कर लूँगी अच्छे से टोनिंग गाइस, जिससे मेरा फेस डीपली हाइड्रेट हो जाए गाइस। एंड ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिएट हुआ था जब मैंने ईद पे किया था, एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज़ मस्ट गाइस, आप डे हो नाइट हो, आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना ही करना है। ईद का ज़्यादातर मेकअप होता है हमारा डे में, तो इसलिए मैंने सनस्क्रीन अप्लाई की है कि जिससे हमारी स्किन प्रोटेक्टेड है सन की रेज़ों से। सो इसीलिए मैंने सनस्क्रीन अप्लाई की है, जो कि लैक्मे की SPF 50 के साथ आती है, जो बहुत अच्छी सनस्क्रीन है गाइस, मुझे बहुत पसंद है। एंड मैंने फिंगर की हेल्प से इसे अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया अच्छे से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, जो कि लैक्मे पिच मिल्क मॉइस्चराइज़र। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है गाइस, बिकॉज ये ऑयल को कंट्रोल करती है, स्वेटिंग को आने से रोकती है, एंड साथ ही साथ डीपली हाइड्रेट करता है हमारे फेस को, एंड हमारे फेस से नॉन स्टिकी फील करवाता है। बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। इसे भी फिंगर की हेल्प से मैंने ब्लेंड कर लिया है एंड बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती है। सो अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिप बाम, जो कि है जॉय का लिप बाम गाइस। दिस लिप बाम इज़ अमेजिंग गाइस, आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज करती है एंड साइड टू साइड हाइड्रेट भी करती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी आई शेडो पैलेट में से ब्लैक ब्राउन शेड लेकर के एक एंगुलर ब्रश के हेल्प से अपने ब्राउज कर लूँगी फिल। एंड गाइस, समर में आप ज़्यादातर ना पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करा करिए, क्रीम प्रोडक्ट नहीं। समर में पाउडर ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करते हैं प्रोडक्ट, सो आप पाउडर ही प्रोडक्ट यूज़ करें। सो मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल कर लिया। नेक्स्ट आईब्रो को मैं ऑफ कैमरा ही कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे 4D कंसीलर ले रही हूँ, जो कि किस ब्यूटी का है गाइस, एंड बस थोड़ा सा ही अप्लाई करूँगी, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं समर एंड स्वेटिंग आएगी, जिससे हमारा मेकअप निकल सकता है, इसलिए मैं बहुत कम प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ, जिससे एकदम नेचुरल लुक लगे, हमारा बेस बहुत। एंड डैप डैप करते हुए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपने कंसीलर को गाइस। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, एंड इसने मेरे डार्क सर्कल इतने हैं नहीं गाइस, इसलिए मुझे ज़्यादा नीड नहीं पड़ती कंसीलर अप्लाई करने की, जस्ट मैंने थोड़ा सा ही अप्लाई किया। अब अपने आईब्रोज के साइड साइड भी मैं सेम ही कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी, जिससे हमारी आईब्रो एकदम नीट एंड क्लीन लगे गाइस। एंड आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ, इसे भी मैं बहुत थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रही हूँ आईब्रोज के साइड साइड पर, एंड सेम ही ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से डैप डैप करते हुए ब्लेंड कर देंगे। आप रब ना करें, अच्छे से डैप डैप करते हुए ब्लेंड करें। देखिए कितना ज़्यादा शार्प लुक आया हमारे आईब्रोज का साइड साइड अप्लाई करने पे कंसीलर को गाइस। एंड या गाइस, आपकी ईद कैसे गई आप बताइए। देखिए मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ, ऐसे ही आप ब्लेंड करें। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे कॉम्पैक्ट, इसके हेल्प से अपने लिड्स को कर लूँगी सेट, जो भी हमने कंसीलर अप्लाई किया था उसको सेट कर लेंगे, जिससे क्रीज ना करे हमारा कंसीलर, और तुरंत ही आपको सेट करना है, टाइम नहीं लगाना है, वरना वो क्रीज कर जाएगा हमारा कंसीलर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ
कलर बोर्ड आई शेडो पैलेट। इसमें से ये दोनों ऑरेंज शेड जो एक डार्क है एक लाइट है, दोनों को एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से पिक किया है मैंने एंड जस्ट क्रीज एरिया पे अप्लाई किया है एंड ब्लेंडिंग कर रही हूँ गाइस। सर्कुलर मोशन में आपको ब्लेंडिंग करनी है, जितना ज़्यादा ब्लेंडिंग में टाइम देंगे आप उतना ज़्यादा आपका आई मेकअप फ्लॉलेस होगा। एंड आउटर वी की तरफ भी मैं सर्कुलर मोशन में ब्लेंडिंग करूँगी। एंड गाइस इसकी पिगमेंटेशन आप देख लीजिए, आई शैडो पैलेट की बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है। एंड देखिए अब मैं आउटर वी की तरफ सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ, जस्ट आप ऐसे ही करें। अब सेम ही कंसीलर को मैंने पिक किया एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से, इसके हेल्प से मैं एक हाफ कट क्रीज ड्रॉ करूँगी अपने लिड्स पे, आप देख सकते हैं इनर कॉर्नर से 1/3 आई लिड पे गाइस एक हाफ कट क्रीज ड्रॉ करूँगी। एंड गाइस बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है फ्लैट ब्रश के हेल्प से हाफ कट क्रीज को ड्रॉ करना, आप देख सकते हैं मैं कितने इजी तरीके से कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको नहीं आती तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ गाइस। एंड इसे सेट करेंगे हम सेम ही पैलेट में से ये क्रीमी शेड लेकर के, जो वाइट इज क्रीमी कॉम्पैक्ट शेड है, इसके हेल्प से अपने लिड्स को कर लेंगे सेट, जहाँ जहाँ हमने हाफ कट क्रीज जहाँ ड्रॉ की है ना वहीं पे सेट कर लेंगे, आप देख सकते हैं। इससे और ज़्यादा हमारा जो कट क्रीज हमने ड्रॉ की है वो सेट हो जाएगी एंड लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, क्रीज नहीं करेगी। एंड गाइज आपको क्या कितनी ईदी मिली प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब मैं यहाँ पे मैनिक्यूरी पैलेट में से ये ब्लूइश ग्रीनिश शेड ले रही हूँ, जो मेरी आउटफिट का कलर है गाइज, उसी को जस्ट अपने हाफ कट क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ कलर को। ये सेम मेरे आउटफिट का कलर का मैचिंग एक आई शेडो, सो इसे मैं अपनी कट क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ फिंगर के हेल्प से कर रही हूँ, कोई भी ब्रश के हेल्प से नहीं, फिंगर के हेल्प से ज़्यादा पिगमेंटेशन आती है एंड ब्रश के हेल्प से ज़्यादा नहीं आती है गाइस, सो आप भी फिंगर के हेल्प से कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे पर्पल वाले बोर्ड में से ये सिल्वरिश ब्लूइश शेड लिया है, जो कि पर्पलिश मिक्स है गाइस ग्लिटर शेड, एंड इसे अपने प्रेस ग्लिटर है इसे अपने लिड्स पे ही अप्लाई किया है जहाँ हमने हाफ कट क्रीज ड्रॉ की है। एंड आप इसकी आईज पे पिगमेंटेशन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट है गाइस, ये मुझे बहुत पसंद आई। अगर आप इस पैलेट को लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर दिया है, वहाँ पर भी देख सकते हैं इस पैलेट को एंड वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब मैंने मैनिक्यूरी पैलेट में से एक डार्क शेड को उठाया है, जो कि ब्राउनिश पर्पलिश शेड है, इसे आउटर वी की तरफ पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैंने अप्लाई किया है। एंड गाइस अपने जो हार्स लाइन है उसको एडजस्ट कर रही हूँ, जो कि मेरे आउटर वी की तरफ है। अब मैंने यहाँ पे जो क्रीज पे अप्लाई किया था एग्जाम आई ट्रांजेक्शन शेड, उन्हीं दोनों कलर को मैंने अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई किया है गाइस सेम पेंसिल ब्रश की हेल्प से। एंड आप देख सकते हैं आई मेकअप कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम सटल सा नेचुरल सा। अब मैंने यहाँ पे वाइट कोल लिया है, जो कि वाइट काजल है गाइस, एंड इसे अपने वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी, इससे आईज़ हमारी बहुत ज़्यादा बिग लगेगी एंड फ्रेश लुक लगेगा। अगर डे में अगर आप मेकअप कर रहे हैं ना गाइस, वाइट काजल ज़रूर अप्लाई करिएगा, बहुत ज़्यादा नेचुरल लगती है एंड आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लगती हैं। एंड आप देख सकते हैं वाइट काजल अप्लाई करने से कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है आई मेकअप। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मार्स का मस्कारा गाइज, जो कि वाटरप्रूफ है एंड लाइनिंग वॉल्यूम दोनों देता है, अंडर 100 रुपीज़ में मिलता है। एंड इसी को अप्लाई कर लिया अपने लैशेज पे, 2-3 कोट कर लिए मैंने इसकी, एंड आप इंस्टेंटली वॉल्यूम देख सकते हैं एंड इसका रिजल्ट देख सकते हैं मेरी लैशेज पे। दूसरी आई का देखिए कितनी नॉर्मल सी लग रही है, इसे अप्लाई करने के बाद कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है हमारी आईज। नेक्स्ट जो आई का है उसे ऑफ कैमरा ही मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी, आई लैशेज मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली है। अब मैं यहाँ पे किस ब्यूटी का आईलाइनर ले रही हूँ, जस्ट एक विंग ड्रॉ करूँगी आउटर वी की तरफ, पूरी आईलाइनर ड्रॉ नहीं करूँगी, जस्ट एक विंग ड्रॉ करूँगी एंड इनर कॉर्नर की तरफ से तरफ एक लाइन ड्रॉ करूँगी, जिससे मेरा जो आईलैश का बैंड है वो हाइड हो जाएगा गाइस।
एंड इसकी बॉन्ड गाइस आइलाइनर की मैं क्या बताऊँ, इतने अच्छे से ये आइलाइनर अप्लाई हो जाता है, इससे विंग आइलाइनर ड्रॉ हो जाती है गाइस, एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल आइलाइनर है, लाइक 100 रुपीज़ का है गाइस। मैंने इसे सदर बाज़ार से बाई किया था, अगर आपने मेरा सदर बाज़ार वाला हॉल नहीं देखा आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कितने ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट मैंने वहाँ से बाई किए हैं, एंड आप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसी तरीके से मैंने विंग आइलाइनर ड्रॉ कर लिया है। अब अपने जो इनर कॉर्नर की तरफ से थोड़ा सा आइलाइनर और अप्लाई करेंगे जिससे हमारी आईलैश की बैंड हाइड हो जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एन वाई बे का प्राइमर, जो कोई मुझे एज अ सैम्पल मिला था पर्पल की तरफ से। मैंने जो मेरा पर्पल हॉर, अगर आपने नहीं देखा आप वो भी, इतने अच्छे तरीके से ये प्राइमर है गाइस कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे पोर्स को इतने अच्छे तरीके से इसने फिल किया है एंड फेस को इतना ज़्यादा स्मूथ कर दिया है, लाइक गोल्डन कलर के इसने पार्टिकल से जो हमारे फेस से बहुत ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छा प्राइमर लगा गाइस, तभी मैंने एक प्राइमर ऑर्डर कर लिया है एन वाई बे का गाइस। एंड मेरा एक और हॉल आने वाला है पर्पल का, तो आप ज़रूर देखिएगा, इसी के बाद ही आएगा पर्पल का हॉल गाइस। एंड यहाँ पे मैंने लिया है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, जिसमें मेरा शेड है 230 गाइस, एंड इसे डॉट डॉट करते हुए मैं अप्लाई करूँगी जस्ट लिटल अमाउंट में गाइस, बिकॉज समर है गाइस एंड जितना ज़्यादा कम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा स्वेट कम आएगा एंड आपका मेकअप निकलेगा भी नहीं एंड लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। सो अप्लाई कर लिया है, थोड़ा सा वार्म अप करके मैंने अप्लाई किया है अपने हैंड पे, एंड ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ही सेम टैप टैप करते हुए ब्लेंड करेंगे, रब बिल्कुल भी ना करें, हमेशा डैप डैप करते हुए ही ब्लेंड करें। एंड आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, डैप डैप करते हुए रब ना करें, एंड डैप डैप करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी कवरेज आएगी गाइस। एंड जो ब्यूटी ब्लेंडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जो हुडा ब्यूटी का ब्लेंडर है जो कि 30 रुपीज़ का है गाइस, एंड बहुत अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। आज मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। सो या नेक पे भी अप्लाई कर लेंगे एंड टैप टैप करते हुए ब्लेंड करेंगे, एंड जो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में बचेगा फाउंडेशन उसे अपने ईयर्स पे अप्लाई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे सेमी कंसीलर को जस्ट लिटल अमाउंट में अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे नीड है, लाइक माउथ के अराउंड, अंडर आई, फोरहेड, नोज, एंड सेमी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी टैप टैप करते हुए, एंड तुरंत ही ब्लेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालना पड़ता है इस पर। अच्छे से टैप टैप करते हुए ब्लेंड करेंगे। इसे सेट करने के लिए सेमी कॉम्पैक्ट मैंने अप्लाई सेट किया है कॉम्पैक्ट के हेल्प से, और जो ये ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ 10 का पेयर आता है गाइस, इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। एंड अपने फेस को अच्छे से इसके हेल्प से मैंने सेट किया है, ईयर को भी सेट किया है एंड नेक को भी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ जॉनसन बीबी का टेलकम पाउडर, एंड इससे अपने फेस की करूँगी बेकिंग। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने फिक करके अपने अंडर आई एरिया पे, माउथ के अराउंड, नोज पे, फोरहेड पे अप्लाई करके, एंड जो जहाँ पे हम कॉन्टोर करेंगे जैसे उसके नीचे ही मैंने अप्लाई किया जिससे हमारा कॉन्टोर का जो लुक है वो शार्प आए। अब मैंने सेम हुडा ब्यूटी पैलेट में से ब्राउन शेड को पिक किया है एक एंगुलर ब्रश के हेल्प से, फ्लफी एंगुलर ब्रश जो कि कॉन्टोर ब्रश होता है गाइस, एंड उसी के हेल्प से मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी, लाइक मेरे चिक्स को, जॉ लाइन को, फोरहेड को एंड अपने नोज को। एंड आप देख सकते हैं कितना शार्प लुक आया है कॉन्टोर करने पे, हम एक ना फीचर मिल जाता है फेस को, बिकॉज हम फाउंडेशन कॉम्पैक्ट वगैरह अप्लाई करते हैं तो हमारा फेस एकदम फ्लैट हो जाता है, तो कॉन्टोर करने से एक शेप आ जाती है फेस पे।
अब यहाँ पे अपना जो भी मैंने पाउडर अप्लाई किया है उसे रिमूव कर रही हूँ फ्लफी ब्रश की हेल्प से गाइस, क्योंकि जितना हमारे फेस को चाहिए था पाउडर उतना मिल गया है। एंड आप देख सकते हैं कंटूर कितना ज़्यादा शार्प हुआ है। अब मैं यहाँ पे ये फोर कलर मैट ब्लश पैलेट ले रही हूँ एंड इस पर ये पीची शेड से ब्लश ले करके ऑरेंजेस पीची शेड इसे अप्लाई कर लूँगी अपने एप्पल ऑफ द चिक्स एंड सी की तरह अप्लाई करना है आपको, ऐसे ऊपर की तरफ करना जिससे लिफ्ट अप दिखेगा आपका चिक्स एंड एकदम ब्लशी ब्लशी हो जाना है। थोड़ा सा नोज पे भी अप्लाई करूँगी एंड चिन पे भी गाइस, एक क्यूट लुक के लिए, फ्रेश लुक के लिए। सो हमने ब्लश अप्लाई कर लिया है गाइस एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ सुपर फिट का हाईलाइटर जिसमें से ये पिंक एंड शैम्पिंग सिल्वरी शेड को लेकर के मैंने अपने हाईलाइटर अप्लाई कर लिया है चिक्स पे एंड आप इसका पिगमेंटेशन देख सकते हैं एकदम नेचुरल, बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, एकदम ग्लोई लुक आता है आपके फेस से अप्लाई करने के बाद इस हाईलाइटर को। तो अपने चिक्स पे अप्लाई कर लिया है मैंने, एकदम नेचुरल लुक आता है इस हाईलाइटर का गाइज एंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है अब हमारा फेस हाईलाइटर अप्लाई कर, बिकॉज मुझे हाईलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है गाइज। जब तक हाईलाइटर अप्लाई ना करूँ तो मेकअप में जान नहीं आती है एंड फिंगर की हेल्प से मैंने हाईलाइटर को अप्लाई किया, आप देख सकते हैं मैंने कोई भी ब्रश यूज़ नहीं किया है एंड फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छा हाईलाइटर अप्लाई होता है आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ हिलारी ओडा की, सॉरी पहले इनर कॉर्नर को एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लेंगे एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से गाइस, इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करेंगे जिससे हमारा आई मेकअप और ज़्यादा उभर के दिखेगा। देखिए अब इनर कॉर्नर पे हाईलाइट मैंने कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ हिलारी ओडा की लिप पेंसिल, इसे आप एज अ लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इससे आउटलाइनिंग कर रही हूँ अपने लिप्स की गाइस। मैं लिप पेंसिल इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरी लिप्स बहुत ज़्यादा पतले हैं गाइस, अगर आपके भी तो आप लिप पेंसिल ज़रूर अप्लाई करें एंड देन लिपस्टिक अप्लाई करें। सो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है ये न्यूड लिपस्टिक जो कि क्रीमी न्यूड लिपस्टिक है, बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है ग्लॉसी लिप्स, न्यूडिश ग्लॉसी लिप्स। सो मैंने सोचा इसे अप्लाई करते हैं बट मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था इस लुक के साथ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था न्यूड लिपस्टिक, पर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेड अप्लाई किया है जो कि हुडा ब्यूटी का है, ये थोड़ा सा ब्राउनिस मैरूनिस काइंड ऑफ लिपस्टिक है गाइस, मैट लिपस्टिक है एंड 100 रुपीज़ की आती है, मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ की थी। तो इसे मैंने अप्लाई किया एंड देन जाके मुझे सेटिस्फाइड हुआ कि हाँ ये मेरे लुक के साथ जा रही है लिपस्टिक, सो मैंने इसे अप्लाई कर लिया। बट आप न्यूड के साथ भी जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मियोन का मेकअप फिक्सर गाइस एंड इसे अप्लाई कर लूँगी। देयर इज़ माई फाइनल फिनिश लुक गाइस, आप बताएं आपको कैसा लगा मेरा ये ईद का मेकअप लुक। सेम मैंने इसी तरीके से रिक्रिएट किया था अपना ईद पे ये लुक एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था मेरा ये मेकअप लुक मेरे आउटफिट के साथ। एंड जो मैंने अभी मैंने गाइस इसका फुल लुक भी दिया है आप वो भी देखिएगा। एंड वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट माय चैनल, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आप देख सकते हैं मैंने ये फ्रॉक गरारा सूट लिया था और ये मैंने आउटफिट जो लिया है वो मैंने जामा मस्जिद से परचेज़ किया है एंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक लग रहा है मेरा। एंड अगर आप ये आउटफिट परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जामा मस्जिद से परचेज़ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आज की वीडियो हमारी होती है कंप्लीट। तो चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।